तो आ गए आप। तो और मेरे भाइयों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ज्यादा मस्त होंगे। तो यार आज जो होता है ना यार बहुत ज्यादा बुरा होता है, आप भी कहोगे यार सच्ची में बुरा हुआ। तो होता है यूं गाइस, श्रेष्ठा को हम सुबह से कॉल लगा रहे थे बट उसका कॉल नहीं लग रहा था, ठीक है। तो उसके बाद जो हम सोचे चलो वीडियो बना लेते हैं, तो वीडियो बनाने के लिए हम गेम और हम रिक्वेस्ट भी ले लिया करते हैं ताकि आप लोग हमसे मिल सको। तो उसमें से एक बंदा हमको बार बार रिक्वेस्ट डाल रहा था, तो हम गए, हम सोचे फैन है चलो मिल लेते हैं इससे भी। तो गाइस जैसे ही उसके पास जाते हैं तो जानते हो क्या होता है, वो श्रेष्ठा का भाई निकल। उसके बाद वो धमकी देने लगता है, बोलता है श्रेष्ठा को छोड़ दो वरना हम पुलिस केस कर देंगे, तुमको जेल में डाल देंगे। उसके बाद हम बोलते हैं भाई जो उखाड़ना उखाड़ लो। अब भाई पूरा स्टोरी हम ही से सुनोगे, इतना मेहनत से वीडियो बनाया वो कौन देखे। तो गाइस यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा मस्त है, तो यार आप लोग एंड तक देखना, स्किप मत करना। एंड गाइस आप लोग को बहुत ज्यादा हंसी आएगा, हंस हंस के पागल हो जाओगे पक्का। उससे पहले चलो बता देते हैं आप लोग फ्री में डायमंड कैसे लोगे। सो गाइस आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक अर्निंग ऐप जिसका नाम है तमाशा, जिससे आप घर बैठकर गेम खेलकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। आप लोग में से बहुत सारे लोग फ्री फायर खेलकर खुश हो जाते हो पर यहाँ पर खेलने के साथ पैसे भी अर्न कर सकते हो। ओह माय गॉड, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं जिसमें आपको पर किल के हिसाब से पैसे मिलते हैं। इसमें सबसे इजी गेम और मजेदार गेम है लूडो, जो आप घर में डेली खेलते होंगे पर आप यहाँ पे खेलते खेलते पैसे भी कमा सकते हो। यहाँ पर लूडो खेलना और भी आसान, काफी इजी और मजेदार रूल है, तो आप लोग जरूर खेलना। एंड गाइस सबसे अच्छी बात यह है इस ऐप का, आप लोग इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हो, मतलब तुरंत निकाल लो पैसे वो भी किसी भी पेमेंट मेथड से, और यहाँ मिनिमम विड्रॉ 1 रुपया। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे मिल रहा है सबको एक एक इलाइट पास, तो वेट किस बात की, जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो और जीत लो बहुत सारे पैसे। अरे यार कौन इनवाइट कर रहा है? तो गाइस यार मूड खराब होता है इसलिए रिक्वेस्ट नहीं लेते किसी का। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है यार। अमेरिका का दलाल बहनचोद। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो, क्यों इतना इनवाइट कर रहे हो यार? अरे तुम ही हो क्या वो काल गेमर? अरे काल गेमर, हाँ हम तो काल गेमर हैं, तुम क्या फैन हो क्या मेरे? नहीं वो तुम श्रेष्ठा को जानते हो क्या? तुम मेरा फैन हो क्या? क्या वीडियो देखते हो क्या तुम? हाँ वीडियो देखा है ना। अच्छा कैसा लगता था वीडियो? वीडियो तो अच्छा बनाते हो। ओ अच्छा बनाते हैं, थैंक यू यार थैंक यू। तो तुम श्रेष्ठा को कैसे जानते हो? अरे हम श्रेष्ठा को कैसे जानते हैं यार, तुम बड़ा अजीब इंसान हो यार। हम बोले जानते हैं वो। सुनो सुनो जितना पूछा जाए इतना बताओ ठीक है, ज्यादा भौंकने की बात नहीं है। अरे भाई तुम तो यार मेरा मथे पे चढ़ गए भाई, ज्यादा बकवास मत करो ठीक है ना। बहुत जिसके साथ तुम वीडियो बनाते हो साला, मेरे को तुम्हारा ये वीडियो बनाते हो अभी पता चला साला, वो मेरी बहन है, तुम मेरी बहन के साथ कैसे वीडियो बना सकते हो है? क्या वेट वेट वेट, अभी ये क्या बोला? ये श्रेष्ठा का भाई है और हम समझ रहे हैं ये फैन है मेरा और ये वीडियो देखता है भाई, हम इससे मजाक कर रहे हो भाई को? भाई मेरे को तो दुख दुख हो रहा है यार, चलो देखते हैं क्या क्या बोलता है। वो मेरी बहन लगती है, समझ में आया क्या? बहन है तुम्हारी? हाँ हाँ। तो है तो क्या आता, तो अच्छी बात है यार, तुम मेरे साले हो गए। साले जी कैसे हो? अरे यार तुम मेरे साले हो, बताओ क्या चाहिए, डायमंड वन चाहिए क्या? मुंह बंद कर ठीक है, मैंने तेरे को अपना दामाद माना नहीं, तू कैसे साला साला भौंक रहा है? अरे बोला क्या तुम? अरे देखो हमारा दिल बहुत बड़ा है तो हम पहले ही मान लेते हैं किसी को। अरे तुम्हारा दिल बड़ा हो कि छोटा हो हमको क्या लेना देना, तुमको हमारी पहनी क्यों मिली है सब करने के लिए? साला दुनिया में कितनी लड़कियां हैं उनके साथ लाइन मारो ना, हमारी लड़की हमारी बहन के साथ क्यों लाइन मार रहे हो? अरे देखो यार पहली बात मेरा दिल छोटा नहीं है, बड़ा है ठीक है, और दूसरी बात आपकी बहन जो है हमको बहुत अच्छी लगी इसलिए आपकी बहन के साथ हम रह रहे हैं। तो और भी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं उनको चुन लेते ना। अरे और भी अच्छी लड़कियां हैं तो हमको और अच्छी लड़कियां पसंद नहीं है ना, आप ही का बहन हमको पसंद है। गांजा वांजा फूक के आए हो क्या? नहीं नहीं गांजा वगैरह नहीं फूका है, तुमने फूका है तो बोल दो, तुम ऐसे अजीब अजीब बातें करते हो तो हमको टेढ़ा मेढ़ा बातें करना भी आता नहीं, नहीं। समझ गया यहाँ सब अपना खेल अपने स्टाइल में खेलते हैं। मतलब हम प्यार करें लड़की से और परमिशन ले उसके भाई से, भाई पागल हो क्या? क्योंकि हम उसके भाई है, हमारा हक बनता है ना। हाँ तो हम तुमको साला माने ना, हम तो तुमको बोल रहे हैं साले जी। हमने तुमको नहीं माना दामाद, तो तुम साला साला क्यों भौंक रहे हो? अच्छा मान जाओगे इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मना लेंगे तुमको। हमको मनाना इतना आसान नहीं है। क्यों मेरे साले जी को लॉलीपॉप चाहिए तब मानेगा? साले साहब ये पहले बताइए आपकी बहन आज सुबह से कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही है? क्योंकि मुझे पता चला है ना तुम्हारा उसका चक्कर चल रहा है इसलिए मैंने उसका सिम कार्ड ले लिया है। वो तुम उसके साथ अभी कभी बात ही नहीं कर पाओगे यार, ऐसा मत करो यार, उसका सिम कम से कम मत लो यार। नहीं वो मेरे को पूछी नहीं, तुम चुपके चुपके ये सब कर रहे हो, मुझे पता नहीं था ना, अभी पता चला तो मैं थोड़ी अपनी बहन को किसी लफंगे के साथ बात करने दूंगा। बड़वा तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। गाइस इसने मुझे लफंगा बोला, भाई हमको जानता नहीं है हम कौन है, हम है कलवा, बवंडर ला देंगे बवंडर। बवंडर ला दूंगा बवंडर। चुप बिल्कुल चुप। अरे यार मत करो ना यार तुम, इसलिए कौन? अरे हम शादी करेंगे यार, हम तिलक भी नहीं लेंगे दहेज भी नहीं लेंगे, फ्री में करेंगे शादी।
हमने कब मांगा तुमको दहेज? हमने तो तुमको दामाद भी नहीं मांगा, तो दहेज की बात दूर की बात है, ठीक है? और अपना ये दामाद दामाद करना मेरे को शोभा नहीं करता, ठीक है? और तुम भी मुझे साला साला करना बंद कर दो, ठीक है? अच्छा साले जी, अभी और इज्जत दे दिए, साल पहले साले बोलते थे, अभी साले जी। नहीं, हमको इज्जत का कोई परवाह नहीं है, सुनो। तो यहाँ गांड मनाने आए हो, जब इज्जत का नहीं परा है तो? अबे आगे से है ना, तुम उसको कॉल नहीं लगाना, ठीक है? अरे एक बार बोलने पे भेजे पे बात नहीं घुसती हो तो बोल दो, दूसरे भी तरीके आते हैं। देखो हम पहली बात बताते हैं, तुम उसके भाई हो ना, तो सुन लो भाई, तुम्हारे घर से भगा करके चल जाएंगे उसको। अरे दम, अरे तू क्या बात बोलता है यार, देखो देख अपना है ना। अरे मुंह तो हम देख लिए, बहुत ज्यादा हैंडसम है, अपना देखो सुसुंदर जैसे लगते हो। अरे मुंह तो सुसुंदर क्या, हम पैदा से सुसुंदर है। तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है यार, बहुत बहन, तुम्हारी बहन कतई अच्छी है यार। हमारे बहन के बारे में तू कुछ मत बोल, ठीक है? वो कुछ भी रहे तू अपने औकात में रहे, ठीक है? हम अपनी औकात में रहे, हम अपनी औकात में है इसलिए तो बोल रहे हैं ऐसा। दिल ना तोड़ो मेरा ओ साले जी, ऐसा ना करो मेरे साथ। अबे तेरे को एक बार बोलने पे समझ नहीं आता क्या? उसके उसके साथ बात मत कर, उसके साथ कुछ भी मत कर, खेलना भी नहीं है। साला तू पीछे पड़ गया उसका हाथ धो के, समझ नहीं आता क्या एक बार बोलने पे? अरे सैनिटाइजर लगाए उसके बाद उसके पीछे पड़े हैं, ऐसे थोड़ी है। मैं शांति से समझा रहा हूँ, दिमाग में बात नहीं घुसती क्या? भेजे मैं एक बार बोलने पे दिमाग क्या ढीला है क्या इसको? क्या बे कलवे, तेरे को बहुत मस्ती है क्या? साले तेरे घर में घुस के मारूंगा, समझा? अबे क्या ये क्या पहन रखा है तूने, ये क्या पहन रखा साले? अरे भाई हम पहने भाई क्या कहता है, ग्रीन क्रिमिनल पहने, मोस्ट रेयर आइटम इन द वर्ल्ड। अबे भाई, अबे साले इतना मारूंगा ना किसी ने सोची ना होगी। क्यों तुम थारा भाई जोगिंदर हो क्या? गजब बेइज्जती है, तुम श्रेष्ठा से बात करना छोड़ दो, ठीक है? नहीं छोड़ेंगे भाई, वो मेरी जान है। तेरे घर में घुस के मारेंगे तेरे को। अच्छा घर में घुस के मारोगे? अबे भाई हम तो मारेंगे, हाँ भाई मारेंगे। भाई हम तो डर गए यार, हमको मत मारना यार, डर बसरी के। इतना मारूंगा ना साले। क्या साले यार, साले तो तुम लगे मेरे, श्रेष्ठा तुम्हारी भी बहन हुई ना। इतना मारूंगा ना कि कपड़े पहनना भूल जाएगा। अच्छा श्रेष्ठा तुम्हारी कौन है ये बता पहले। मैं तो रॉकी का दोस्त हूँ। अच्छा उसकी बहन मेरी बहन। अच्छा तुम मतलब तुम भी मेरे साले हो? अरे वाह साले, दो दो साले हो, माय गॉड। अबे बहुत मारूंगा साले, ऐसी जगह मारूंगा ना कि सोचे बैठने से पहले हमेशा याद करेगा तू। साले कुत्तों की जिंदगी। क्या अबे तू कौन है भाई, कौन है ये नूब? कौन है तुम्हारे जीजा जी हुए, जीजा जी बोलो, जीजा जी। अरे जाए भाई तू सो जा, तू तेरे को नींद आ रही है भाई, तू सो जा, ग्रीन क्रिमिनल पहन के सो जा। ग्रीन क्रिमिनल पहन के नहीं यार, इसमें जो है ना टॉयलेट नहीं जा सकते यार, इसलिए खोल के सोते हैं। क्या बात है, मैं घुस के मारेंगे। तू रहता कहाँ, तू तेरा एड्रेस बता। तू एड्रेस? अबे तू पागल है, औकात में रह पहले, ठीक है? दादा हैसियत के ऊपर उड़ने की कोशिश मत कर, तेरी औकात कहाँ है, किसके सामने बात कर रहा है, देख देख क्या बात कर, ठीक है? अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो जाता है, बच्चा है ना, मन का सच्चा है ना, तो हो जाता है। तू पागल है क्या, मूड खराब कर रहा था अभी से, साले बोल रहे हैं एक बार। अबे आवाज नीचे रख के बात कर, तेरे एकले को चिल्लाना नहीं आता। अबे चुप, दिमाग खराब करके रखा था अभी से साले। भाई बोल रहे हैं एक बार, रख के बात कर। क्या आवाज नीचे रख के बात करे, तुमको नीचे रख के मारेंगे मुंह में, समझ रहा? बोल रहे भागो यहाँ से, ऐसी जगह मारेंगे ना, बोले जाए कहाँ है, निकाले कहाँ से साले, समझ जा। क्या समझ बोल रहे, तो कुछ सारे समझ नहीं आता क्या? मजदूर इंसान इन द वर्ल्ड जाके मेहनत करते रहता जा रहा, कुत्ते के तरह गधे के तरह जाके ग्रैंड मास्टर पे बैठा, तुम्हें और कोई काम है? काम कोई और? बहुत काम है हमें, मूड खराब करके रखा था। हम बोले हैं ना उससे बात करेंगे, सारे तुम लोग में जितना गांड में दम है लगा दो, ठीक है? उसको देखते हैं क्या कर लेते हो तुम, घर से उठा के लेके चल जाएंगे श्रेष्ठा को, पता है तुमको? की बात छोड़, तू खाली आसपास भी देखा तो तेरे को गोली मार के उड़ा देंगे। अबे तू धमकी दे रहा है हमको, धमकी दे रहा तुमको? डरते है क्या तेरे से? हाँ तू धमकी दे रहा है। अबे जहाँ है ना वहीं पे फाड़ उड़ देंगे हम, बता रहे हैं। ए मूड मेरा खराब मत कर, ठीक है ना? पहली बात, ठीक है? तू अच्छे से इज्जत से आया तो इज्जत से चल जा, ठीक है ना? नहीं तो गाड़ी सुनेगा बहुत भयंकर। बोल रहे किक निकाले इसको, कौन कहाँ से आ गया, हम देख लेंगे आगे, डरते। अच्छा देख लेना देख लेना। हाँ तो हम तो वही बोल रहे हैं, देखना अच्छे से, श्रेष्ठा को ले जाएंगे ना तो देख लेना, तुमको दान दक्षिणा दे देंगे 100-200 रुपया, उसका डायमंड खरीद लेना। हमारा ना हंस ले सूफी, हंस ले। हाँ हंस, मस्त जोक मारा रे, हंस रे अलकटस। लेके जाएगा बोल रहा है। अच्छा सुन, राइस्टार को जानता है? राइस्टार को गेम तो खेलता है, राइस्टार को जानता होगा? वो नुबड़ा, उसको तो मैं चप्पल के अंदर रखता हूँ।
अबे तू दिमाग मेरा मत खराब कर, ठीक है ना? वो मेरा दोस्त है, ऐसा मत बोलो, नहीं तो गांड फाड़ देगा वो झूठे से। गांड में जानते हो दो नल्ला जो बम है ना, बम उसके तुम्हारे बम में डाल देगा और उसका फोड़ देगा। अबे तुझसे कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातें ना कर। अच्छा ज्ञान गेमिंग को जानते हो? वो तो मेरा टॉयलेट धोता है। अबे यार तू पागल है क्या? सारे तू भाग जा, तू दोनों भाई यहाँ से भाग जा, मजदूरी कर, मजदूरी कर, जा जा फ्री में मजदूरी कर, जा जा ग्रैंड मास्टर जा जा। अबे तुम नूब हो? अरे हाँ हम भाई नूब हैं, हाँ नूब हैं। और कुछ? तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, हमारे सामने खड़े रहने की भी नहीं है। अच्छा ठीक है, और कुछ? और तुमसे बड़ा बॉट मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। और कुछ? और क्या, हम चाहे नूब रहे, हम चाहे बोट रहे, बट हम तुम्हारे जीजा जी हैं, ये मत भूलना। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need... ये साला बहुत ज्यादा बोल रहा है, ठीक है? इसको एक बार कस्टम में जाकर धूल चटा के आ जा। अच्छा। एक बार करेगा, कस्टम करेगा, बता करेगा। अच्छा कस्टम में आ जा, उसके बाद जीजा पीजा करियो, आ जा। जी तो बहुत ज्यादा बोल रहा है ना, बहुत ज्यादा बोल रहा है। हाँ। एक बार सूफे को कस्टम में हरा के दिखा वन वर्सा सुन, फिर देख लेंगे तो कितना पैरो है। मंजूर है। सिर्फ 10-12 लुखियलों को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ, अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा, अभी बाकी मेरी कहानी सारी दुनिया को जो सुनानी है। तो गाइस यार देखो हम उसको हरा चुके हैं, ठीक है ना? उसका भाई डर से भाग गया यार, मतलब मेरे फ्रेंड कॉल आया, इसका अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो हेलो, कौन? मैं, अरे श्रेष्ठा, अरे बेबी कहाँ थी तू यार? ये कौन सा नंबर से कॉल की है? और तेरा भाई आया था मुझसे मिलने के लिए अभी, जस्ट अभी क्या कस्टम खेल के आए हम? यार मैं क्या कस्टम खेल के आया, नहीं समझे? अरे यार तुम्हारा भाई आके दिमाग खराब कर दिया यार, धमकी दे रहा है यार, और जानते हो क्या बोलता है? तुम्हारा सिम कॉल नहीं लग रहा है सुबह से, हमको लगा लाइट चल गया तुम्हारा। जानते हो अपने दोस्त से बुला के हमको गाली भी सुनाया यार। मैं सुबह से ना एक मैसेज ना कुछ कर पा रही, मेरा फोन सिम सब कुछ ले लिया गया है। ये मैं अपने फ्रेंड के घर आई हूँ तब जाके मैं एक कॉल कर पा रही हूँ तुझे। और हमेशा पता है तेरी वजह से मैं मुसीबत में फंसती हूँ। इतना सुनाया ना, वो आया था घर घूमने, मामा का बेटा, इतना सुनाया मुझे, इतना सुनाया ना तेरे चलते। यार हम क्या करें यार, हमको हम मेरा इसमें क्या गलती है, हम क्या किए हैं? बेफालतू का नहीं, तू बेफालतू का मैसेज क्यों करता है जब नहीं जरूरत होती है? मैंने बोला तुझे मैसेज कर, तेरे लिए हर बार फंसती हूँ ना मैं। यार हम मैसेज करते हैं उसमें तू, मेरा गलती है यार, मैसेज किए तो इसमें फंस गई तो मेरा गलती है। ऑब्वियसली तुम्हारा है, मैंने बोला था तुमको, मैंने तुमको बोला मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, मेरे प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मेरे मैसेज के चलते तुम फंसे हो? क्योंकि वही हुआ है। हट यार, यार देखो उधर भाई बोले और इधर बहन बोले, मतलब हम ही को मारो बीच में। मुझे नहीं पता, मेरे को बात सुनना पड़ा, मेरे सेम वेम गेम सब कुछ बन गया, अब क्या करूं मैं? गेम तुमको गेम का पड़ा है ना, तुमको इधर का नहीं पड़ा, तुम्हारा भाई आके इधर बक के गया वो नहीं पड़ा तुमको। मतलब मेरा फोन पूरा चल गया, मैं ना मैसेज कर पाऊंगी ना कुछ, अब पता नहीं वो घर में क्या करेगा। हां तो जाके उसे फोन मांगो सीधा, हम तो उसको भाई सीधा बोल दिए, भाई बेटा दे देना सिम श्रेष्ठा को।
यार क्या ये मतलब है श्रेष्ठ, हर बार क्या नौटंकी है यार तुम्हारा, सारा सब भाई ऐसा क्यों करता है यार कभी? शायद मेरे किसी भी भाई को तो पसंद नहीं है किसी। अच्छा तुमको पसंद है ना, या तुमको भी पसंद नहीं है? हाँ? तुमको पसंद नहीं है तो तुम भी बोल दो तुम्हारे भाई की तरह। वो ना थोड़ा संभाल के बात करो ठीक है, पसंद नहीं है तो कौन नहीं करती यार। हाँ तो वही तो बोल, तो ज्यादा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा भाई से थोड़ी मतलब हमको, उससे थोड़ी शादी करना हमको। हाँ। और देख यार आइंदा से ना काम ढंग से करना ठीक है, तुम्हारे वजह से मैं हर वक्त ऐसे पापड़ नहीं बेल सकती। यार मेरे वजह से फंसते हो ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, मतलब सारा गलती हम पे ही डाल रहे हो तुम। मतलब कि हमको मैसेज भी तुमसे पूछ के करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमको मैसेज ही करना पड़ेगा कि बेबी मैसेज करे। हाँ तो पहले बताया दिया करो ना, तो हमको क्या पता कि तुम्हारे घर में कौन आया नहीं आया, उस टाइम भी बताया था। हाँ तो भाई भाई हमको थोड़ी लगा था तुम्हारा फोन में घुस के बैठ जाएगा तुम्हारा भाई। अरे रुक जाना थोड़ा तो बात कर लो। ठीक है ठीक बाय। तो गाइस अभी श्रेष्ठा हमको अननोन नंबर से कॉल करती है और वो बताती है क्या क्या हुआ आप लोग जैसा सुने। तो यार उसका भाई सही में फोन और सिम ले लिया इसलिए कॉल भी नहीं लग रहा था, बट कोई ना सह लेंगे थोड़ा सा। और हाँ गाइस एक प्लान है मेरे पास, देखो श्रेष्ठा को हम बोलेंगे उसका भाई का फोन, अगर उसका भाई का कोई गर्लफ्रेंड मिल गई तो यार हम लोग भी बोल सकते हैं। तो यार आप लोग बताओ प्लान कैसा है। एंड हाँ गाइस अगर आपको पार्ट सेकंड चाहिए तो आप लोग कमेंट करो पार्ट सेकंड, क्योंकि यार इसके बाद क्या होगा हमको नहीं पता गाइस। अगर आप लोग बोलोगे तो हम पार्ट सेकंड रिकॉर्ड करके, यार ये सब करने में बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ता है, दिमाग फट जाता है गाइस। आज का लाइक हम रखते हैं 20K लाइक कर देना। हम चलते हैं गाइस, टाटा बाय बाय, मस्त रहो, मजे करते रहो।